नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 94 रुपीज का ऑलमोस्ट स्टॉक हो चुका है, स्टॉक में आज गिरावट हुई है। 93.15 24 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाजार सेकेंड हाफ ऑफ द डे में बुरी तरह गिरावट में रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे काफी बढ़िया था, गैप अप ओपनिंग थी, लगा था कि बाजार यहां से बुलिश पैटर्न बनाएगा, बट जैसा मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड रहने वाला है और वो गिरावट आपको साफ देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो गिरावट हुई है, क्या यहां से बाजार आपको दोबारा फिसलेगा? 2 हफ्तों की मेहनत, एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन हुआ, यहां से रैली की शुरुआत हुई, तो क्या लगता है कि यहां से क्या बाजार में दोबारा से स्टॉक गिरावट में आएगा? 86 रुपीज का सपोर्ट दोबारा लेगा? क्या खरीदारी अगर आपने कर रखी तो निकलना है स्टॉक से या होल्ड करें? अगर आप होल्ड करते हैं या खरीदारी करते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलें, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बाजार में गिरावट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी। अच्छा, जब गैप अप ओपनिंग होती है तो लगता यही है सभी को कि यहाँ से बाजार आपका नए एकदम मोमेंटम में आएगा, नया हाई बनाएगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्योंकि खरीदारी नहीं है। जैसा मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि बायर्स मार्केट में नहीं है। FII कब तक यहाँ पर बिकवाली करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। DII मार्केट को बहुत दिनों तक संभाल नहीं सकते हैं। यही रीजन रहा आज भी कि DII ने खरीदारी बंद की और DII ने मार्केट को नीचे लेकर के आए हैं। बुरी तरह से मार्केट में हुई है गिरावट आज के दिन में, और मैं बुरी तरह से इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप रेंज देखेंगे ना तो रेंज काफी खतरनाक है। 640 का हाई लगाता है और 344 384 के आसपास का क्लोजिंग आई है, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास अगर मार्केट वोलेटाइल होता है ना तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर साफ आ जाती हैं कि मार्केट में अप एंड डाउन आप देख लो कितना है। तो रिटेलर्स ने तो खरीदारी की है यहाँ पे साफ तौर पर, बट FII और DII मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं इस समय पर बुरी तरह से, और यही चीज मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि बहुत अग्रेसिव नहीं होना है। और स्पेसिफिकली अगर आपने कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक बाय कर रखा है तो यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं आपके लिए। बट अच्छी खबर यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में जहां पर अच्छी खबरें भी हैं, फंडामेंटल भी अच्छे हैं और टेक्निकल भी अभी भी बरकरार है, आपका टेक्निकल अभी भी बुलिश पैटर्न में है, अगर ऐसे स्टॉक में खरीदारी है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो फिर तो आपको बधाई हो कि आपने एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया है और यहां से आपको भी गिरावट के बाजार में भी स्टॉक आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाला। ठीक है, सबसे पहले चार्ट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि चार्ट हमारा क्या कर रहा है। देखिए, अगर आप लोअर एंड पे देखेंगे तो सपोर्ट आपका अभी भी वही है, जैसा मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि 85 रुपीज के आसपास, 86 रुपीज के आसपास आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर बाजार में किसी भी वजह से गिरावट होती है, चाहे निफ्टी फिसलता है आपका, चाहे ओमिक्रॉन की वजह से, तो 86-85 के आसपास आपका स्टॉक जो है वो स्टे करेगा। ठीक है, एंड अगर इससे नीचे फिसलता है मार्केट, यानी कि मार्केट में क्रैश ही होता है बुरी तरह से, मार्केट जब तक आपका 17 के नीचे नहीं आता है, यानी कि 17,000 तक अगर आपका बाजार बना हुआ है, ये आपका रेंज है 17,000 एंड अपर साइड पर अगर आप देखें तो 17,800 के आसपास, 17,700 के आसपास का रेंज बना हुआ है, अगर इसके बीच में है बाजार आपका, तब तक के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा 86 के आसपास ही रहने वाला है, 86 के ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं गिरने वाला है। ठीक है, ये आपका रेंज बन चुका है यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेंज बन चुका है और इसी रेंज में आपका मार्केट रहने वाला है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट पैटर्न बनता है, यहाँ से नीचे गिरावट होती है, 86 के नीचे तब भी जाएगा जब मार्केट आपका 17 के नीचे क्लोज होता है। तो जब तक 17 के नीचे बाजार नहीं आता है तब तक बैंक ऑफ बड़ौदा में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक के लिए कम से कम अगर आपने निवेश किया है स्टॉक में तो बने रहने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। स्टॉक अच्छा है, मूड में है, सेट है, सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। RSI की बात करें, 56 का आपका RSI है, साथ में ही अगर आप बात करें MACD की, MACD न्यूट्रल हो चुका है, पहले भी बेरिश मोमेंटम में था, यहाँ से नीचे गिर रहा था, बट अभी न्यूट्रल हो चुका है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। न्यूट्रलिटी में कम से कम आपको प्रॉफिट बनाने के ज्यादा मौके मिलेंगे यहाँ पर। साथ में ही अगर आप अपर साइड पर बात करें तो अभी भी अगर आप टारगेट को देखेंगे तो 107 के आसपास का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। स्टॉक अभी भी बुल पैटर्न में है तो बिल्कुल टारगेट की बात आपको करनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपने अपर साइड पे खरीदारी कर रखी है तो एवरेज का मौका आपको 85-86-88 के आसपास मिल जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको एवरेज करना चाहिए, और जिन लोगों ने एवरेज किया बहुत अच्छी बात है, जो मौका चूक गए हैं अभी आपको मौका यहाँ पर दोबारा मिलेगा। स्टॉक गिरावट के बावजूद भी 20-day और 9-day मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अगर यहाँ से गिरावट होती है थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम जरूर आएगा, बट अभी भी 86 का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, या फिर आप बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, जो कि बरकरार रहने वाला है आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो खरीदारी करने का मौका है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा मौका है, खरीदारी करके चलो। अच्छा, खबर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी अच्छी खबरें हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, दिसंबर 9 की खबर है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक MOU साइन किया है विद सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है,
बाजार में गिरावट है और अगर अच्छी खबरें आ रही हैं, ये अच्छा मौका होता है। कंपनी आपको प्रूव कर रही है दैट इट हैज द कैपेबिलिटी टू रन, ये अभी भी रन करेगी, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है CHFL के साथ, जो कि यहाँ पर टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में बैंक जो है वो लोन देगा, होम लोन प्रोवाइड करेगा सस्ते दरों पर, तो खबर ये भी बहुत अच्छी थी। और अगर कंपनी में खबर अच्छी है, चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया काफी अच्छा है, 107 का आपको टारगेट लेकर के 86 से सपोर्ट लेकर के खरीदारी करनी है, तो बिल्कुल यहाँ पे मौका है आपके सामने अच्छे स्टॉक्स को उठाने का। अगर आपने बाजार को देख करके स्टॉक में निवेश किया था, बाजार की गिरावट था, स्टॉक फिसला था, तो कम से कम बाजार की गिरावट जब तक भारी गिरावट यहाँ पर नहीं होती, जब तक कि स्टॉक आपका इंडेक्स आपका 17 के नीचे क्लोज नहीं होता है, तब तक के लिए कम से कम आपको स्टॉक से निकलना नहीं है। यहाँ पर रेंज बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो, मनी सप्लाई क्योंकि स्क्वीज किया जा रहा है। अगर आप खबरों की भी बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन का डर जरूर है यहाँ पे, और ओमिक्रॉन ने परेशान किया है, यूके में बूस्टर शॉट देने की बात कह दी है, यहाँ पर 75,000 डेथ्स के आसपास प्रिडिक्ट किया गया है ओनली इन यूके, तो प्रॉब्लम तो है ओमिक्रॉन से। अच्छा एक चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना में अभी तक डेल्टा वेरियंट नहीं आया है, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि दे हैव अ न्यू डेल्टा वेरियंट, तो डेल्टा स्ट्रेन वहां पर है, तो अगर आप देखेंगे तो चीजें गड़बड़ा रही हैं। बट मार्केट में जब गिरावट होती है तो इस तरह की खबरें आना लाजमी सी बात है। अगर कल तक आप CNBC आवाज या कोई भी न्यूज चैनल देखते तो आपको ओमिक्रॉन नहीं दिखाई देता, बट जहां पर भी आज बिजनेस की खबर आएगी वहां पर ओमिक्रॉन का नाम जरूर लिया जाएगा। रीजन वही है कि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो बार बार कि FII की बिकवाली की वजह से मार्केट गिरावट में है, DII आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट, ठीक है। आप नाम नहीं ले सकते हो कि DII मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि चैनल्स DII के द्वारा ही होल्ड किए जाते हैं। आप ओमिक्रॉन का नाम ले लोगे क्योंकि अगर आप कल तक बात करो तो कोई नाम नहीं था कल तक, सुबह भी आप देखो अगर किसी ने न्यूज देखी हो तो आपको याद होगा कि सभी लोग बोल रहे थे कि SGX निफ्टी में अच्छी तेजी है, निफ्टी में आपका अच्छा खुलेगा बाजार। मॉर्निंग में 12 बजे तक जब तक बाजार अच्छा चल रहा था तब तक भी यही बात कही गई कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया है, कंटेन कर लिया गया है। बट सेकेंड हाफ ऑफ द डे में सभी में यही बात आने लगी कि ओमिक्रॉन की वजह से गिरावट हुई। तो देखिए अगर गिरावट हो रही है FII की वजह से तो FII का नाम लेंगे हम, DII मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट तो DII का नाम लिया जाएगा। यहाँ पे साफ है कि अगर मार्केट में मैनिपुलेशन जारी है और मार्केट को मैनिपुलेट करके कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे में आपको करना कुछ नहीं है, आपने अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, सभी पैसा बनाने आए हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। इस समय मनी सप्लाई थोड़ा स्क्वीज किया जा रहा है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करें तो फंड रेजिंग की खबर यहां पर भी है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको अनाउंस किया था, बताया था, खबर भी दिखाई थी मैंने आपको कि अराउंड 2500-2000 करोड़ के आसपास यहां पर भी फंड रेजिंग जारी है, तो फंड रेजिंग कर रही है कंपनी, अच्छी खबर है। सेंट्रम हाउसिंग के साथ बड़ा MOU साइन किया है, अच्छी खबर है, गुड न्यूज यहाँ पर भी है। चार्ट अच्छा है, फंडामेंटल्स की बात करें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, और अगर डिलीवरी देखते हो आप तो 30% उससे पहले, 16% उससे पहले, 24-25% उससे पहले, 19% के आसपास डिलीवरी भी काफी बढ़िया है, एवरेज डिलीवरी, चार्ट बढ़िया, फंडामेंटल अच्छे, खबरें गजब की, और क्या चाहिए आपको स्टॉक में, ठीक है। तो बिल्कुल खरीदारी करके चलो, स्टॉक नीचे आता है एवरेज करो, अगर आपने अपर साइड पे बाय किया है बिल्कुल एवरेज करने का मौका है। डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% और 10% ऑफ टोटल कैपिटल, इससे ऊपर जाने की मेरी सलाह बिल्कुल भी नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहती है, कि स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करोगे तो लॉसेस करने के चांसेस कम हो जाएंगे, कम से कम 5%, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10%, इससे ज्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं जाना है, ठीक है। कम से कम आप 1% भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा 10% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल विल बी योर्स, इस स्टॉक की बात करें बिल्कुल खरीदारी करके चलो, स्टॉक बहुत अच्छे जोन में है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बाजार जब तक 17 के नीचे नहीं है तब तक बाजार को लेकर के न्यूट्रल रहो, बेरिश नहीं है, बुलिश नहीं है, न्यूट्रल बाजार है आपका, रेंज बाउंड ट्रेडिंग होगी यहाँ पे, तो रेंज में भी आपका स्टॉक तेजी में आएगा। वंस मार्केट रिकॉग्नाइजेज इट्स रेंज, तो वहां से अगर पहचान लेता है अपनी रेंज को तो उसके ऊपर आपका बाजार भागेगा, बिल्कुल बाय करके चलो। लास्ट कॉल ऑल बी योर्स, क्या है आपके स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना, 107 का टारगेट है मेरा यहाँ पे, स्टॉक में सपोर्ट 86 का, बाकी क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट भी अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।